मुंगेर पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर दो लोगों को हथियार और जिंदा कारतूत के साथ खड़गपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था दोनों अपराधी। हवेली खड़गपुर डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दरअसल मुंगेर में थाना अध्यक्ष हवेली खड़गपुर को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़गपुर झील के पास दो अपराधी किस्म के लोग किसी घटना को अंजाम देने के नियत से अवैध हथियार के साथ आया हुआ है। सूचना के उपरांत एसपी के निर्देश पर थाना अध्यक्ष के द्वारा थाना सशस्त्र बल एवं क्यूआरटी टीम के द्वारा खड़गपुर झील के पास पहुंचकर वाहन जांच की कार्रवाई प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पीछा कर खड़गपुर ईदगाह के पास पकड़ा गया। दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को जब तलाशी ली गई तो दोनों के पास से एक देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूत और एक खोखा बरामद किया गया। अब पुलिस दोनों से पूछताछ करने में जुट गई है। गिरफ्तार व्यक्ति मनोरंजन कुमार और आयुष कुमार है। वहीं फिलहाल दोनों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। क्या मामला है, कहाँ से कर रहे हैं? ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि निकट भविष्य में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में पुलिस मुख्यालय और वरीय पदाधिकारी का सख्त निर्देश है। अपराधी और अपराधी गतिविधियों पर लेकर के काफ़ी सजग हैं। इसी क्रम में जो है खड़गपुर थाना को एक सूचना मिली कि खड़गपुर झील के पास दो लड़के बाइक पर सवार होकर के एक अवैध देसी हथियार लेकर के वहाँ पर घूम रहे। इसी सूचना के सत्यापन में और आवश्यक कार्रवाई में ये लोग यहाँ से प्रस्थान किए। वहाँ खड़गपुर झील पहुँचने के बाद वहाँ पुलिस बल को देख करके एक दोनों लड़के भागने लगे, जिनको कि साथ के बल के सहयोग से वहाँ ईदगाह के पास में पकड़ा गया। वहाँ पे इन लोगों की जब तलाशी लगी तो इनके पास से जो है एक देसी अवैध कट्टा मिला है, चार गोली मिली है और एक खोखा भी इन लोगों के पास था और इनका दो मोबाइल मिला है और इन जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था उसकी बरामदगी हुई है। क्या पर्पज़ था, नहीं था, इसके लिए इन लोग से पूछताछ की।